गाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सुबह के बज रहे हैं 5, आप लोग देख रहे हो करंट अफेयर का शो। आज की क्लास में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये करंट अफेयर की जो है आज आपकी आखिरी क्लास है हमारी तरफ से। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि करंट अफेयर बहुत सारे बच्चे इस चैनल पर देखने वाले नहीं हैं, और मेरा समय बहुत ज़्यादा कीमती है क्योंकि मैं मतलब पूरा का पूरा माई पाठशाला को जो है ऑर्गेनाइज़ भी करता हूँ, बाकी टीचर्स का कंटेंट जा सके और माई पाठशाला प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके, इसके लिए बहुत सारा समय देना पड़ता है। तो मेरा समय मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कीमती है और सारे टीचर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि मेरी क्लासेस भी रहती है। मेरी क्लासेस भी 3 बजे है, फिर 5 बजे है, फिर एक पेड बैच है। तो इस पूरे दौरान पे मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट रात को करता हूँ, तब आपका करंट अफेयर लेके आता हूँ। तो ये करंट अफेयर आज के बाद तब तक के लिए बंद किया जाएगा जब तक करंट अफेयर करने के लिए कोई ना कोई टीचर्स नहीं मिल जाते हैं। अगर कोई टीचर मिलता है, अच्छा टीचर मिलता है जो करंट अफेयर सुचारू रूप से आपके लिए जारी कर सकेगा, तो ये करंट अफेयर की क्लासेस दोबारा रूप से जारी की जाएगी। और मैं कोशिश ये करूँगा कि वीक में एक दिन आपको करंट अफेयर जो है वीकली जो है ऑर्गेनाइज कर पाऊँ, ताकि हफ्ते में एक दिन करके, जैसे आप पढ़ते हो मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, फिर जाके आप पूरे वीक का करंट अफेयर इकट्ठा करते हो। तो हम कोशिश ये करेंगे सैटरडे या संडे में एक दिन ही आपको सारे के सारे MCQ कंपाइल करके आपके बीच में डिस्कस कर दिया जाए। सो आपने जितना प्यार दिया, सम्मान दिया, और राहुल सर की जो पहल थी जो 2 साल पहले स्टार्ट की गई थी, वो 2 साल पहले जो है की गई पहल को आज मैं एंड करूंगा आज के दिन ही। और उम्मीद करता हूं कि जो भी प्यार आप सब लोगों का मिला पिछले 2 साल इस करंट अफेयर के शो को, वो आगे बाकी लेक्चर्स में जारी रहेगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि करंट अफेयर का शो जारी रखना चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और आभार जरूर व्यक्त कीजिए और बताइए कि आपको ये ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो करंट अफेयर मैं ऑर्गेनाइज करूँगा, चाहे मैं करूँ चाहे कोई ना कोई टीचर करेगा, पर रन करेगा। सो ज़रूरी है कम से कम मैं एटलीस्ट 500 लाइक तो हिट होना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि कम से कम 500 बच्चे ऐसे हैं जो करंट अफेयर को रोजाना बेसिस पे देखते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, हमें पता होगा कि हाँ बच्चे फॉलो कर रहे हैं, जिसके लिए हमें मेहनत करना है। और अगर 500 लाइक नहीं आता है तो देन ये करंट अफेयर आज का आखिरी करंट अफेयर होगा, और करंट अफेयर की जो है वीकली सीरीज आपको दे दी जाएगी, डेली सीरीज नहीं आएगी, क्योंकि समय कम है। और समय कम होने के साथ साथ मुझे अपने इंग्लिश के कॉन्टेंट पर ज़्यादा जो है वर्क करना है, और मुझे लगता है कि अगर SSC CGL का रिजल्ट निकालना है तो इंग्लिश के थ्रू मैं बच्चों का रिजल्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से निकाल सकता हूँ, क्योंकि इंग्लिश का जो वेटेज होता है वो 250 नंबर का होता है, और आपके जो करंट अफेयर का वेटेज होता है 1 या 2 नंबर का होता है, और एफर्ट जो है इंग्लिश पे कम देना पड़ता है और करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। करंट अफेयर मतलब एक बार पूरी तरीके से उसे रीड करना, उसे समझना, फिर आके आप लोगों को जो है कंटेंट छाट के आपको एक्सप्लेन करना, तो बहुत सारा टाइम जाता है, बहुत सारा पैसा जाता है, बहुत सारी एनर्जी जाती है। इससे बेहतर ये होगा कि हम कॉन्सेंट्रेट करें आपके मैथ और इंग्लिश की क्लास पे। आशीष सर आपकी मैथ्स की क्लास कंटिन्यू किए हुए हैं और लगातार वो टाइम से ले रहे हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं मैं और आशीष सर आप लोगों की जो क्लासेस है वो सुचारू रूप से रख पाएँ मैथ और इंग्लिश की। बाकी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं SSC के एग्ज़ाम में ज़्यादा रेलिवेंसी उनकी नहीं होती है। इंपॉर्टेंट तो हर चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम में आता है, लेकिन अगर CGL की बात करें, स्पेशली मैं और आशीष सर आपको CGL के लिए पढ़ाते हैं, मैं स्पेशली ज़्यादा फोकस रहता हूँ CGL के लिए, उसमें 50 नंबर का आपका जो है GS का सेक्शन रहता है, तो GS का सेक्शन बहुत छोटा सा रहता है, उसमें करंट अफेयर भी 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, और ज़्यादातर जो बच्चे करंट अफेयर देख रहे होते हैं वो RRB के हो गए, रेलवे हो गए, या स्टेट एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर का ज़्यादा महत्व रहता है, या PCS एग्ज़ाम हो गया, उनके लिए आप देखते हो। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो इस चैनल पे, क्योंकि ये चैनल पूरी तरीके से SSC वाले बच्चों के लिए मैंने प्रिपेयर किया था और SSC CGL वाले बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो रेलवे की तैयारी कर रहे हो या PCS की तैयारी कर रहे हो, या करंट अफेयर आपके लिए मददगार साबित होती है, तो लाइक का बटन और कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझे बताना ना भूलिए आज, ताकि मैं इस करंट अफेयर को सुचारू रूप से खुद रन कर पाऊँ, या किसी टीचर के साथ इसे रोजाना बेसिस पे जो सीरीज हमने 2 साल पहले स्टार्ट की थी, ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू रख पाऊँ। और मुझे अंदाजा है कि राहुल सर ने इस सीरीज को कभी बंद नहीं किया, और उनके जाने के बाद मैंने भी सीरीज को उसी पैटर्न पे जारी रखा जिस पैटर्न पे राहुल सर आपको पढ़ाते थे, ताकि आपका करंट अफेयर की जो तैयारी है वो जारी रहे। अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि करंट अफेयर पे जो बच्चे हैं वो बहुत कम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जो समय होता है, समय की जो कीमत होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो समय की कीमत को ध्यान में रखते हुए कि मैं इससे ज़्यादा बेहतर जो है बच्चों का साथ किसी और सब्जेक्ट में किसी और टाइम पे दे सकता हूँ, तो मैं इंग्लिश वाले सेक्शन में प्रेफर करूँगा कि आप लोगों की ज़्यादा मदद कर पाऊँ, ज़्यादा हेल्प पहुँचा पाऊँ। सो आज करंट अफेयर में मैं थोड़ा सा ही पार्ट डिस्कस करूंगा, ज़्यादा पार्ट डिस्कस नहीं करूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा, अगर आप लोगों को लगता है कि ये करंट अफेयर का सेशन जारी रखना चाहिए तो करंट अफेयर का सेशन जारी रहेगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि ये करंट अफेयर का सेशन बंद हो जाएगा तब तक जब तक कि कोई ऐसा टीचर मुझे ना मिल जाए जो टीचर करंट अफेयर आपके सामने अच्छी तरीके से रख पाए। सो आपकी स्क्रीन पे करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, किसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की ओर से प्रतिष्ठित SDG स्पेशल
ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, सोनू सूद, आमिर खान। सो दिन का विचार भी एक बार जान लेते हैं, हर रोज़ मैं लेके आता हूँ, बिलीव यू कैन एंड यू विल। ये बात जैसे रखी गई है यहाँ पे, आप लोग भी ये मुझसे मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि सर ये लाइनें हमें समझाने से पहले आप खुद भी इम्प्लीमेंट कीजिए, और मैं इन लाइनों को बहुत तहे दिल से मानता हूँ कि ये लाइनें बड़ी सही और सच रखी है कि बिलीव यू कैन एंड यू विल, कि विश्वास करो कि आप कर सकते हो और आप ज़रूर कर पाओगे। तो मेरा मानना है कि जो हमारा टारगेट है वो टारगेट ये है, हमारा जो फोकस है वो एसएससी सीजीएल के बच्चों का सिलेक्शन है, और एसएससी सीजीएल के बच्चों के सिलेक्शन के लिए ज़रूरी यह है कि हम सही तरीके से उनके लिए काम करें। हमें जहाँ पे सही से एनर्जी देनी चाहिए वहीं पे सही से एनर्जी दें। एक टीचर ने मुझे सजेस्ट किया कि सर इससे बेहतर है कि अगर आप अपने इंग्लिश के पार्ट पे ज़्यादा बच्चों को अगर मदद करोगे तो बच्चों का ज़्यादा भला होगा, और मुझे उनकी बात वो बहुत सही और सटीक लग रही थी कि जितना मेहनत मैं करंट अफेयर में कर रहा हूँ उसका हाफ ऑफ द मेहनत अगर मैंने इंग्लिश में आप बच्चों के साथ किया तो आपका शायद जो सिलेक्शन है ना वो ज़्यादा करीब से हो जाएगा, ज़्यादा नज़दीक से हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो या तो हम खुद करेंगे या तो किसी ना किसी ऐसे टीचर से कराएंगे जिससे जो है आपको थोड़ा सा प्रोडक्टिव काम मिले। मेरी आदत है एक अच्छा टीचर चुनने का, क्योंकि जब मैं टीचर चुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं खुद इस टीचर से पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। बचपन से जिद दे रहा हूं, मैंने आज तक कभी किसी टीचर से पढ़ा नहीं, पढ़ा भी है तो एक महीने डेढ़ महीने के बाद टीचर को छोड़ दिया और खुद स्टडी करना प्रेफर करता हूं। सो बहुत मुश्किल से मैं किसी टीचर को चूज करता हूं कि हाँ ये टीचर पढ़ाने वाला है, ये टीचर पढ़ाने वाला है, और पढ़ाने के बाद मुझे लगता है कि मैं खुद पढ़ लूँगा। बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जो माई पाठशाला के रेलवे पाठशाला पे या और चैनल्स पे। सो जैसे मान लीजिए अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है तो ग्रुप डी में जो बच्चा तैयारी करता है, जैसे मान लीजिए मैं एसबीडीआई से बीटेक हूँ, तो हमारा जो सफ़र होता है वो सीजीएल में भी नहीं आके टिकता, ज़्यादातर हमारा ध्यान जो जाता है वो यूपीएससी के प्रिपरेशन पे जाता है, पीसीएस एग्ज़ाम में जाता है, ग्रुप ए के जॉब हमें चाहिए होती है। ये डिपेंड करता है कि हम मतलब एचबीडीए से अगर पढ़ के आए हैं तो अगर इससे नीचे कम में जाएंगे तो हमारी बहुत इंसल्ट होगी, बहुत बेइज्जती होगी, क्योंकि हर साल हमारे कॉलेज से 3-4-5 आईएएस अधिकारी हर साल ही बन जाते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर हम नहीं बने, हमने कुछ बेहतर काम नहीं किया है तो हमें रिग्रेट फील होता रहता है, इंसल्ट फील करते हैं हम। तो इसी वजह से हमें खुद भी पता नहीं चल पाता कि ग्रुप डी के बच्चों को किन टीचर से पढ़ाया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे का एजुकेशन जो होता है वो जैसे बीए वाले बच्चे हो गए, उनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, उनको थोड़ा स्लो पढ़ाना होता है, और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर लोग वो लोग हैं या तो एसएससी के सिलेक्टेड लोग हैं या अच्छे कॉलेज से बीटेक हैं, तो मैं उनको ही चुनको लेके आता हूं कि इनके पास नॉलेज है और यही सही से कंटेंट छाट के आपको पढ़ा सकते हैं। तो उसमें कुछ टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि जो एक्सप्लेन करना उतना अच्छा नहीं जानते जितना एक्सप्लेन करना बाकी के जो टीचर हैं 7-8 साल से एक्सपीरियंस होल्डर हैं टीचर हैं वो आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये तो थोड़ी आज करंट अफेयर में मेरे मन की बात निकल गई है, क्योंकि रीज़न ये है कि मैं करंट अफेयर का जो सफ़र 2 साल से चला हुआ स्टार्ट हुआ था वो बंद नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसे बंद करने का मन नहीं करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो समय होती है समय की कीमत के हिसाब से भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि 2 में से 1 क्या आप चुनोगे। तो अभी इंपॉर्टेंट ये है माई पाठशाला जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करके उसे टॉप लेयर पर लेके जाना और एसएससी सीजीएल के बच्चों के सिलेक्शन के लिए कुछ अच्छा और बढ़िया वाला काम करना। तो पास्ट 1.5 ईयर से ना मैंने अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट पे मेहनत किया है ना आप बच्चों के साथ पर्सनली पढ़ाने में मेहनत किया है। इस साल का जो सफ़र है वो सफ़र मैं आप बच्चों के साथ पढ़ाने में बिताना चाहता हूँ। मैं और आशीष सर दोनों लोग हम लोगों ने एक बार डिस्कशन किया है कि हम अपने प्रीवियस टास्क जिस पे हम इंजॉय करते थे उसी पे निकलेंगे, तो हम आपके साथ थोड़ा सा मतलब आपका सिलेक्शन जो है वो उस पर काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश पे काम करना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर बात है। नीचे कमेंट सेक्शन में जैसा भी सुझाव है वैसा दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा आज के दिन जो है न्यूज़ देख लेते हैं। पहला तो एक ये चीज़ है कि जो आज का जो न्यूज़ है जो ताज़ा खबर है एक अच्छा और ताज़ा न्यूज़ खबर है। आपने हमेशा देखा होगा कि वीरता पुरस्कार जो है कोई पर्सन या कोई लेडी जो है इनको मिलता है, लेकिन आज जो बात है इन दोनों से अलग होके एक पशु को इसकी बहादुरी के लिए काम मिला हुआ है। तो पशु बहादुरी के लिए एक मेडल मिला हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एक मेडल है। तो मगवा नाम है इस चूहे का, द माइंड डिटेक्टिंग रैट विंस PDSA गोल्ड मेडल। पहली बार एक विशालकाय चूहे ने कंबोडिया में बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए पशु बहादुरी के लिए एक ब्रिटिश चैरिटी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार जीता है। ब्रिटिश चैरिटी का, और वो भी कैसा, शीर्ष नागरिक पुरस्कार जीता है। तो पशु बहादुरी के लिए दिया गया है ये कंबोडिया में बारूदी सुरंगों का पता लगाने का। थोड़ा सा और डिटेल देखोगे कि कितने सुरंगों का पता लगाया है, तो 39 बारूदी सुरंगों को जो है खोज निकाला है जो है इन भाई साहब ने अब तो ये पुरुष नहीं महापुरुष हो गए हैं, और 28 अनएक्सप्लोडेड जो है ऑर्डिनेंस वस्तुओं की खोज की है इन्होंने। तो लिटरली अब इनको इज्जत देनी पड़ रही है, काम इनका
इतना बड़ा है। अगर बारूदी सुरंगों का खोज कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं ना कि कितना जो है मानवता को बचाया होगा इन्होंने। तो अब ये नहीं, अब चूहे से इन्होंने हो गए, अभी हम पुरुष नहीं महापुरुष हो गए। तो आप समझिए, इस बहादुरी और भक्ति के लिए चूहे को PDSA के गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। और नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है। और मघवा नाम है, क्या है? मघवा नाम है, विशाल अफ्रीकी चूहे मघवा है। क्या नाम है? अफ्रीके के चूहे मघवा नाम है। तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और दिन के दूसरे करंट अफेयर की तरफ चलेंगे, और मैं आज थोड़ा आप लोगों के साथ मतलब दिल से दिल मिलाते हुए थोड़ा आराम आराम से करंट अफेयर डिस्कस करूंगा, ताकि आप समझ भी पाओ और चीज़ों को। मैं अक्सर करके क्या होता है, करंट अफेयर थोड़ा तेज डिस्कस करता हूँ, लेकिन मैं अब टीचर बनने की कवायद में निकल रहा हूँ कि अब मुझे टीचर बनना हो। और टीचर बनने का मतलब होता है कि किसी भी कंटेंट को आपको स्लो समझाना, आपको आराम से और प्यार से समझाना। तो अगला जो न्यूज़ है वो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स PD वघेला एज न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई। एक तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राई है क्या, मतलब काफ़ी सारे लोगों को पता है ट्राई है क्या। और ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो आपका, मैं अगर आम भाषा में बताऊँ तो आपके जो नेटवर्क्स होते हैं, जैसे जियो का नेटवर्क है, वोडाफोन का नेटवर्क है, ये सब कंट्रोल कौन करता है? ये कंट्रोल गवर्नमेंट इंडिया की जो बॉडी होती है ट्राई है, वो कंट्रोल करती है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर PD बघेला को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ये हिंदी में नाम है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का जो है अध्यक्ष चुना गया है। उनकी नियुक्ति कुल 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए हुई है। अब इसमें एक बात यह है कि 65 साल का वर्ष उनका पूरा हो या 3 साल, जो पहले पूरा हो जाएगा उसी में उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर PD बघेला भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष RS शर्मा का स्थान लेंगे। RS शर्मा इससे पहले थे, इनको बदल के जो है अब हम बघेला जी को लेके आए हैं। जल्दी सेवानिवृत्त ये हो गए हैं, ठीक है। तो डॉक्टर PD बघेला वर्तमान में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल विभाग DOP के तहत सचिव के पद पर अभी कार्यरत हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि ट्राई के जो है नए चेयरमैन बने हुए हैं। तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई भारत में दूरसंचार व्यवसाय का स्वतंत्र नियामक है। यह संस्था भारत में दूरसंचार के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों के लिए नियामक अर्थात उनके नियमन का काम करती है। अब एक बात ये समझिए, दूरसंचार का मतलब होता है कि दूर से बातचीत कर सके। तो मोबाइल फ़ोन, टावर्स, इंटरनेट, नेटवर्क, इन सब चीज़ों को लेकर भारत में जो गवर्निंग बॉडी है ट्राई है, इसके नए चेयरमैन जो हैं वो बन गए हैं डॉक्टर PD बघेला, ठीक है। उसके बाद अगला जो न्यूज़ है वह है, इंडिया एंड डेनमार्क लॉन्च ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप आइंग फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो भारत और डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी के लिए संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का फैसला किया है। इसका मकसद, अब भाई देखो, हरित रणनीतिक साझेदारी है तो क्या होगा, नवीकरण ऊर्जा की बात होगी, यहाँ पे पर्यावरण की बात होगी, अर्थव्यवस्था की तो बात होनी होनी है, दो देशों के विषय में बात हो रही है। तो और जैसे ही हरित रणनीति की बात आ जाएगी, जलवायु परिवर्तन पे बात होगी, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो आज के समय में आम बात है जो बात होना। तो इन क्षेत्रों में क्या होने वाला है, भारत और डेनमार्क के बीच में सहयोग के लेके एक रूपरेखा जो है तैयार किया जा रहा है। तो काफ़ी अरसे से लंबित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, COVID-19 महामारी की चुनौती और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर इसके प्रभाव पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो दोनों देश बैठ के कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ क्रिटिकल मुद्दे हैं जिसमें बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो इनसे अभी क्वेश्चन बनने लायक नहीं है, लेकिन आगे अगर जानकारी रहेगी तो जो आने वाले समय में इनसे रिलेटेड अगर कोई मेजर डिसीजन लिया जाएगा तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोनों नेताओं ने इस बैठक में पुरुलिया में हथियार गिराए जाने के मामले में प्रमुख आरोपी किम डेवी का मुद्दा भी उठाया है। और इसमें दोनों देशों के अधिकारियों ने एक दूसरे से बातचीत की है कि इस मुद्दे को जल्दी सुलझाया जाएगा। तो दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत डेनमार्क जल प्रौद्योगिकी गठबंधन के जरिए जल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भी इच्छा व्यक्त की है। तो अब क्या काम करने वाले भारत और डेनमार्क, जल ही जीवन है, जल में टेक्नोलॉजी डालने वाले हैं। और इस बीच को लेकर भी दोनों देशों के बीच में बात हुई है कि आपसी सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद दिन की जो अगली न्यूज़ है कुछ नीतू डेविड को लेके, ये क्या हुई हैं न्यू जो है हेड हुए हैं कितने, इंडिया वोमेंस सिलेक्शन कमेटी के, मेंस नहीं वोमेंस सिलेक्शन कमेटी के, इंडिया वोमेंस सिलेक्शन कमेटी के हेड हो गए हैं। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने पूर्व क्रिकेटर नीतू डेविड को महिलाओं के राष्ट्रीय चयन पैनल का चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की है। पैनल में अन्य सदस्य पूर्व भारतीय खिलाड़ी मिठू मुखर्जी, रेणु मार्गेट, आरती वैद्य और वी कल्पना है। तो सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नाम इंपॉर्टेंट है वो नीतू डेविड का है। यार ये थोड़े फेमस आदमी भी हैं, इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है। तो 10 टेस्ट में 41 विकेट चटकाए हैं, ये क्रिकेट खेलते थे, उनके नाम टेस्ट में एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का विश्व रिकॉर्ड भी है। विश्व रिकॉर्ड होना बहुत बड़ी बड़ी बात है। 53 रन दे के 8 विकेट लिया था इन्होंने,
1995 में, 1995 में क्या किया था इन्होंने, एक इनिंग में 53 रन देकर 8 विकेट लिया था, और ये टेस्ट मैच था क्योंकि दो इनिंग उसी में होती है, 53 रन देकर 8 विकेट लिया था, और ये उनके नाम टेस्ट में एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड है। तो ये खास करके बात है, और जो नीतू डेविड ने जो है इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो 4 वर्ष के लिए है, और इसके पहले हेमलता जो है कला ये यहाँ की जो है क्या थी, हेड थी, और इन्हीं को जो है रिप्लेस करके जो है अब किसको लाया गया है, नीतू डेविड जी को लाया गया। तो नीतू डेविड क्या है, ये आपके एक पूर्व क्रिकेटर हैं जिनके नाम एक रिकॉर्ड भी है, जो 53 पे 8 एक इनिंग में इन्होंने विकेट चटकाए थे, 53 रन के 8 विकेट, जो बड़ी बात है। डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर वर्थ ₹2290। रक्षा मंत्रालय ने 28 सितंबर 2020 को 2,290 करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। तो इसमें अमेरिका से 780 करोड़ रुपए में लगभग 72,000 सिगसार असाल्ट राइफलों की खरीद होने वाली है। 72,000 कौन सी जो है राइफल खरीदी जाने वाली, नाम है सिगसार असाल्ट राइफल, और राइफलों के अलावा वायुसेना एवं नौसेना के लिए करीब 970 करोड़ रुपए में, कितने करोड़ रुपए में, 970 करोड़ रुपए में एंटी एयर फील्ड वेपन प्रणाली शामिल की गई है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये जो डेटा है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो अगला न्यूज है ये देख रहे हैं ना हमारे अमित शाह जी, भाई साहब इनको देख के ही ऐसा लगता है कि भाई साहब किसी का मतलब किसी की हालत पस्ती होने वाली है। लेकिन बात करते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल। ये एक फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया है। बेसिकली जब इस तरीके का डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट, जैसे नाम है, नाम में भी लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देना होगा, तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किया है। यह महोत्सव उभरता हुआ रमणीय स्थल के विषय के साथ आयोजित किया गया है। तो जो उत्सव था उसका एक थीम रखा गया था, विषय वस्तु उभरता हुआ रमणीय स्थल, कि कौन कौन सा ऐसा जगह है जो उभर रहा है, जिसको देखा जा सकता है, तो के विषय के साथ आयोजित किया गया, जो कि सेक्टर को गति देने पर पर्यटन स्थलों के मजबूत और अधिक आकर्षक बनाने की बात करता है। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल का उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट के पर्यटन स्थलों के साथ साथ देश की विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे से परिचित कराना है। देखो यार, ये पर्यटन स्थल तो ठीक है, पर्यटन स्थल को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन साथ में भाई यहाँ पे जब लोग आते हैं तो आपस में जो संस्कृति है उसको भी साझा करते हैं, तो इसको भी बढ़ावा देने का काम हो रहा है। इसके माध्यम से पूरा भारत नॉर्थ ईस्ट की जीवंत और विविध संस्कृति से परिचित होगा। तो भाई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है, लोग आएंगे, तो बट ऑब्वियस बात है कि नॉर्थ ईस्ट में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो उसका जो है कहीं ना कहीं उसकी संस्कृति से सारे के सारे लोग परिचित होंगे ही होंगे। और ये मणिपुर को लेके थोड़ा सा डेटा है, आप चाहो तो मैं पीडी दे देता हूँ, पढ़ लेना। कैपिटल जो है यहाँ की इम्फाल है, सीएमएन ब्रैन सिंह है, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है, डिस्ट्रिक्ट 16, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा 1, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे मिथाई है, मणिपुरी जिसको बोलते हैं। बॉर्डर क्या अभी डिस्कस करेंगे अपन फिगर में देख के। और यूनिंग थौ इसकी जो है स्टेट ट्री है, और स्टेट बर्ड यहाँ का नो गैनी है, और स्टेट फ्लावर सिरुई है, लिली है, ये लिली एक टाइप की सिरुई लिली है, और लोटक, सिरोही नेशनल पार्क, खोजांगम्बा, योगोपुर, कोई सा भी इसमें जो है आपका नेशनल पार्क एग्जाम में आपके आता नहीं है। तो मणिपुर की बात करेंगे, मणिपुर देखिए यहाँ पे मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मिजोरम हो गया, ये आपका असम हो गया, तो ये तीन ऐसे स्टेट हैं, और साथ में आंध्र प्रदेश, ये चौथा भी यहीं पर लग के आता है, सही नहीं, नागालैंड बस इतना ही है, एक नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया और असम हो गया, तो तीन जो है इसका बाउंड्री स्टेट है। और जैसे मैंने बोला कि यहाँ का कोई भी नेशनल पार्क जो है वो आपके एग्ज़ाम में आता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़े फेमस फेमस वाले आते हैं, तो सारा रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो सीधा स्किप कर दीजिएगा, वैसे मैंने दे दिया है। अगर किसी को रटना हो, मान लो मतलब पीसीएस वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो बच्चा, और उसको सब कुछ रटना हो, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसको सब कुछ रटना है तो फिर रट लेना आप, ठीक है। अब एक बात और है कि आईटीपीबी जो चीफ है एसएस देशवाल गिवन एडिशनल चार्जेज ऑफ एनएसजीडीजी, आईटीबीपी के जो चीफ हैं एसएस देसवाल, इनको एक एडिशनल जो है चार्ज दिया गया है एनएसजीडीजी का। तो आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल को आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि इसके पदस्थ प्रमुख एके सिंह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, और यह दूसरी बार है जब देसवाल को एक अतिरिक्त क्षमता में एनएसजी का नेतृत्व करने के लिए निर्देशित किया गया है। देखो ये यार, इनको ना एडिशनल चार्ज दिया जाता रहता है, भाई साहब महान आत्मा है, बहुत महान आत्मा है, और काम करने में एक नंबर के हैं, तभी इनको बार बार दिया जा रहा है। तो एनएसजी को विशिष्ट आतंकवाद विरोधी अभियान और अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए 1984 में संघीय आकस्मिक बल के रूप में विकसित किया गया था। तो अगर हम बात करें एनएसजी कब ओपन किया गया था, तो 1984 में किया गया था, और बेसिकली हुआ क्या था, आतंकवाद विरोधी जितने भी अभियान होते हैं, जैसे अपहरण जैसी घटनाएं होती हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए एक जो है आकस्मिक बल बनाया गया था, वही जो है आपका एनएसजी है।
तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कुछ मुख्यमंत्री जैसे कुछ उच्च जोखिम वाले वीवीआईपीओ को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने का काम भी करते हैं। तो एनएसजी का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। कहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं, एनएसजी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसके जो है डीजी बनाए गए हैं एसएस देसवाल। डीजी का फुल फॉर्म नीचे मुझे लिख के ज़रा बताइएगा, बहुत आसान सा है, मुझे लगता है कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देंगे। और अगला जो न्यूज़ है वो है राजनाथ सिंह लॉन्चेज ए बुक टाइटल ए बकेट ऑफ फ्लावर्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की पुस्तक, ये जो नाम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना इनकी जो पुस्तक है इनका विमोचन किया है, जिसका शीर्षक है बकेट ऑफ फ्लावर्स है। तो और बात थोड़ा सा जान लेते हैं, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना 1955 में 1955 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पीएचडी करने वाली पहली महिला रही हैं। थोड़ा सा स्पेशल जानकारी है, एग्जाम में वैसे आएगा नहीं, लेकिन आप सिर्फ सुनने के लिए कानों में इस डेटा को याद रख सकते हैं। पुस्तक को इस प्रकार लिखा गया है कि पाठक खुद ही यात्रा को देखे, उससे अपने स्वयं के व्यक्तित्व एहसास से प्रेरित हो जाए। तो बुक अपने आप में ही ऐसा है कि आदमी उसको रीड करे और अपने आप से ही प्रेरित हो जाए। आनंद नीलकांता पेंस डेब्यूट किड्स बुक। बाहुबली श्रृंखला के लेखक आनंद नीलकांतन ने बच्चों के लिए अपनी एक पहली पुस्तक लिखी है, और इस पुस्तक का जो नाम है जो बाल असुरों और उनकी हरकतों के बारे में सबसे प्रफुल्लित करने वाली कहानियां बनाती है। ठीक है, तो पफिन ने द वेरी एक्सटर्नली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स, ये बुक का नाम है, प्रकाशित किया है। द वेरी एक्सटर्नली मोस्ट नॉटी, वेरी एक्सटर्नली है, मोस्ट नॉटी है, असुरा टेल्स फॉर किड्स ये नाम है। द वेरी एक्सटर्नली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स प्रकाशित किया है, जिसमें कथा के साथ साथ पूर्ण रंग चित्रण है। और ये हैं साहब, ये हैं भाई साहब। इसके बाद अगला जो न्यूज़ है वो हमारे शेखर शेखर कपूर जी से है। तो एफटीआईआई का गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन बनाया गया इनको, फिल्म मेकर शेखर कपूर को एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन बनाया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा की है कि फिल्म निर्माता शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एफटीआईआई क्या है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नए अध्यक्ष और एफटीआईआई के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक रहेगा। इस पद पर वह टेलीविजन निर्माता बीपी सिंह का स्थान लेंगे। इसके पहले बीपी सिंह इस पे जो थे। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफटीआई की स्थापना 1960 में पुणे के तत्कालीन प्रभात स्टूडियो के परिसर में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एफटीआई जो है इसका जो है स्थापना कब किया गया था, 1960 में किया गया था। कहाँ में किया गया था, पुणे में किया गया था और प्रभात स्टूडियो में किया गया था। इसके बाद अगर अगले न्यूज़ की तरफ मूव करें, अगला न्यूज़ ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई साहब। ये तो मेरा मानना है कि कोई न्यूज़ डिस्कस किया जाए चाहे ना, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। सोनू सूद अभी हाल ही में ये न्यूज़ में बहुत बने रहे हैं अपने अच्छे कार्यों के लिए। कोविड-19 की वजह से आपको पता है कि जो मजदूर रह गए और लोग रह गए और हमारे भारतीय लोगों के जो विदेशों में रह गए, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर फंसे रह गए थे। तो सोनू सूद ने क्या काम किया था, इन सभी को अपने खर्चे पे उनके घर तक पहुंचाया है। और लिटरली मतलब मेरा मानना है कि दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग कि एक एक कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में सबसे बेहतर क्या काम कर सकता है, यही काम कर सकता है लोगों की मदद। और सोनू सूद जी ने जो है इसको भरपूर किया है। तो इनको ना जो है सोनू सूद को जो है ऑनर किया गया स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी ने इनको ह्यूमैनिटेरियन जो है अवार्ड दिया। और मेरा मानना है कि भाई साहब ये अवार्ड भी इनके काम के आगे छोटा है। कहने का मतलब है कि हम जितना सम्मान दे सकते थे उतना सम्मान दिया, और हमने नहीं दिया, किसने दिया, यूएनडीपी ने दिया। तो बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को एक आभासी समारोह में 28 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास मंत्रालय यूएनडीपी की ओर से प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें निस्वार्थ भाव से मदद करने और लाखों प्रवासियों को भेजने, विदेशों में भूगोल भर में फंसे छात्रों को उनके घरों में वापस भेजने के लिए पुरस्कार मिला है। इसके अलावा वो छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं और चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान करें, और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जरूरतमंदों को और भी मदद पहुंचा रहे हैं। इस प्रतिष्ठित सम्मान में सोनू सूद जी के अलावा और भी बहुत सारे लोग आ गए, जैसे एंजेलिना जोली को ये मिला है, डेविड बेकम को मिला है, लियोनार्डो डिकैप्रियो को मिला है, एमा वॉटसन को मिला है, लियाम नीशन को मिला है, केट ब्लैंचेट को मिला है, हमारी प्रियंका चोपड़ा जी को भी मिला है। तो ये कई सारे फेमस जो है लोग हैं, पर्सनैलिटी है, जिनको मानवता के लिए बेहतर काम करने के लिए ये अवार्ड मिलता है। और इस बार जो मिला है वो सोनू सूद जी को मिला। और मेरा मानना है कि यार फेस वाइज ही, वैसे तो पिक्चरों में ये विलन का रोल करते हैं, साउथ इंडियन पिक्चरों में विलन का रोल करते हैं, बॉलीवुड में विलन का रोल करते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में इनसे बड़ा हीरो कोई नहीं है। और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे हीरो हैं जो पिक्चरों में हीरो देखते हैं लेकिन असल ज़िंदगी में दुबक्कू टाइप के हैं। बट मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन लिटरली ही इज़ द ऑसम पर्सनैलिटी। इसके बाद जो है अगला न्यूज़ से पहले चला यूएनडीपी के विषय में जान लेते हैं। तो न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, इसके हेड अचीम सेटनर हैं।
ये छोटी सी चीज़ें आप याद रख सकते हो, नाबार्ड टू अंडरटेक सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन इन कर्नाटका। नेबार्ड है क्या? नेबार्ड जो आपकी ग्रामीण रूरल बैंक होती है उसको मॉनिटर करने की जो है संस्था है गवर्नमेंट की तरफ से, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड कर्नाटक में 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गांव में से, मतलब कर्नाटक में कई सारे गांव होंगे उसमें जो 1 लाख आबादी जिनमें होती है उसके अंदर जो है वॉश वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन जल स्वच्छता और स्वच्छता पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान SLC शुरू करेगा। तो नाबार्ड एक काम क्या कर रहा है, कर्नाटक में लोगों को जो है अवेयर कर रहा है कि कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे सुरक्षित रहना है। और अभियान का उद्देश्य स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तनों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह अभियान 2 अक्टूबर से चालू होगा, 26 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। अतीत में नाबार्ड ने भी देश भर में 27,298 करोड़ रुपये की लागत वाले 3.29 करोड़ घरेलू शौचालयों के निर्माण का समर्थन किया था। ये पुराना कुछ डेटा है। तो कर्नाटक में ये काम करने वाले हैं, लिटरेसी कैंपेन जो है चलाने वाले हैं कि क्या करना है, जो स्वच्छता अभियान को लेके और प्रेरित करे गांव को। और गांव कैसे चुने गए हैं, गांव ऐसे चुने गए हैं कि जो आपके मतलब 1 लाख से ज़्यादा हों, मतलब उसमें जो लोग रहने वाले लोग हैं 1 लाख से ज़्यादा हों, वोटर्स एटलीस्ट रजिस्टर्ड वोटर 1 लाख से ज़्यादा हो। न्यूज़ फटाफट में बात करेंगे। इंटरनेशनल ट्रांजिशन डे ये क्या है, ये सॉरी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ये 30 सितंबर को मनाया जाता है। मैं फिर बात पर बोलता हूँ कि डे डेट और थीम याद रखना है। तो फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ड इन क्राइसिस, फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ड इन क्राइसिस यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 विषय, संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना ये विषय है और 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। तो ये छोटा सा डेटा है जो आपको याद रखने लायक है। और अगला जो है वेदांतु रोप्स इन आमिर खान एज ए ब्रांड एम्बेसडर, वेदांतु ने जो है आमिर खान को एज ए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये छोटा सा डेटा है वेदांतु का प्रचार करते हुए आपको जो है मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना लाइव ऑनलाइन ट्यूटरिंग, अब ये एक अलग तरीके से आएंगे। और मैं यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहूँगा और कुछ चीज़ें हैं जो मेरा मानना है कि एक मैसेज मैं करना चाहता हूँ। अगर आप सारे बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हो तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास ऑफलाइन में कभी कोई टीचर रहा हो तो उस टीचर तक ये मैसेज आप उनको पहुँचाना। अभी जो एक टेक्नोलॉजी को लेके एक बड़ा जो चैलेंज चल रहा है, वो एक चैलेंज ये चल रहा है, ये जो स्टार्टअप हैं लाइक अन अकेडमी हो गई, लाइक वेदांतु हो गई, लाइक बैजूज हो गई, ये लोग हमारे ऑफलाइन के जो टीचर्स हैं उनका एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर रहे हैं। एक टीचर से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और एक टीचर की बहुत सारी फैमिली होती है, बहुत सारे लोग एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं, ऐसे जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है वो बैलेंस बनी रहती है। अभी क्या हो रहा है कि जितने भी ऑनलाइन स्टार्टअप्स हैं वो स्टार्टअप्स ऑफलाइन टीचर्स की हालत बहुत ख़राब कर रहे हैं। इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, कहने का मतलब है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो तकरीबन $101 बिलियन का है पूरा का पूरा, और $101 बिलियन का जो आपका एजुकेशन सिस्टम है ये बटा हुआ है छोटे छोटे लोगों में, बहुत सारे लोग इसमें रोजगार पाते हो, ये मतलब एकदम टू बी फैक्ट एकदम दिल वाली बात है जो आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये जो यहाँ का पैसा है कुछ स्टार्टअप तकरीबन 20-25 स्टार्टअप एडिटेक स्टार्टअप ऐसे हैं जो इन बचे हुए पैसों को क्या कर रहे हैं, सेंट्रलाइज करके यहाँ पे ले आने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये पैसा सेंट्रलाइज ले करके लेके आएंगे तो ये सारे के सारे जो टीचर्स हैं ऑफलाइन के टीचर्स हैं ये बेरोज़गार होते चले जाएंगे। पहले ऑफलाइन में जो है 300-400 बच्चा जिस टीचर के यहाँ पढ़ता था एक बैच में, वो टीचर बहुत फेमस हुआ करते थे। आज के समय में इंटरनेट की दुनिया में एक टीचर से 10-10 हज़ार बच्चा पढ़ लेता है, और जहाँ पे 300 बच्चों पे एक अच्छे टीचर का रोज़गार था वहीं पे 10 हज़ार बच्चों पे एक अच्छे टीचर का रोज़गार है। तो आप डिवाइड करके देख लीजिए कि कितने टीचर की ज़िंदगी ख़राब और बर्बाद हो रही है, कितने बेरोज़गार होने वाले हैं। तो ये एक्चुअल चैलेंज है जो आपको भी समझना है, जो टीचर्स को भी समझना है। और टीचर्स को डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, अगर वो ऑफलाइन अभी भी बैठे हुए हैं तो उनको डिजिटल होने की ज़रूरत है। उनको बोलिए कि वो ऑनलाइन स्टार्ट करें, लड़ाई लड़े, क्योंकि उनके लिए लड़ाई अब एक नेक्स्ट लेवल की हो गई और ये लड़ाई उनको समझनी है कि उनको लड़ाई लड़नी लड़नी है। तो अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो, अगर आपके कोई टीचर हैं तो उनको ज़रूर मैसेज करने करो कि वो ऑनलाइन आएँ, पढ़ाएँ, किसी ना किसी जो है यूट्यूब के अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें और उनके साथ काम करें ताकि वो इंटरनेट की दुनिया में बने रहें, अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहें। अदरवाइज़ बच्चा उनको खो देगा और फिर किसी ना किसी और से पढ़ने के आदी हो जाएगा, फिर उनका कैरियर, उनका भविष्य, उनका फ्यूचर ख़राब होगा और बहुत सारे बच्चों का भी इससे फ्यूचर ख़राब होता है। तो ये इन शॉर्ट है, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ क्योंकि आज मुझे लगता है मेरा करंट अफेयर आखिरी दिन है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा
इमोशनल हो रहा हूँ। मिंत्राज नेम दिशा पटानी एज ब्रांड एम्बेसडर। जैसे मैं ब्रांड एम्बेसडर की बात करता हूँ, मुझे सब सिर्फ यही समझ में आता है मिंत्रा ने भैया दिशा पटानी को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दिशा पटानी क्या काम करेंगी मिंत्रा के साथ, इस तरीके से जो है एड में आएंगी और ये प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगी। और मतलब अब थोड़ा सा यार नॉलेज है मुझे मार्केट का, सो कभी किसी और समय लगेगा मुझे कि कभी मुझे आपको सिखाना चाहिए तो मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्केट कैसे मूव कराया जाता है, कैसे चीज़ों को चेंज किया जाता है। 10 रुपए की चीज़ अगर 1 लाख रुपए में बेचनी हो तो कैसे ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं लोगों को, 10 रुपए की चीज़ 10 रुपए में अगर बेचनी हो तो कुछ नहीं करना होता, लेकिन 10 ही रुपए की चीज़ अगर आपको 1 लाख रुपए में बेचनी हो तो ब्रांड एम्बेसडर चुनना पड़ता है। और ये ब्रांड एम्बेसडर अब चलिए समझते हैं यार, अगला आगे का काम जारी रखते हैं अपनी पढ़ाई का। सो वन लाइनर की बात करें तो भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप स्थापित करने की घोषणा की है, तो डेनमार्क के साथ की है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर पी डी वघेला को किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है, तो 2290 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। मंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, दिशा पटानी बनी है। द वेरी एक्सटर्मली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये आनंद नीलकांतन ने लिखी है। और थोड़ा सा और आगे चलेंगे, विशाल कैडस ने कंबोडिया में बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए पशु बहादुरी के लिए एक ब्रिटिश चैरिटी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मान जीता है, किसने जीता, कौन से विशाल गाय रैट ने जीता हुआ है। किसको महिलाओं के राष्ट्रीय चयन पैनल का चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की है, तो नीतू डेविड को की गई है। किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किया है, अमित शाह ने किया है। किसको आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, SS देशवाल को दिया गया है। ए बकेट ऑफ फ्लावर्स शीर्षक की पुस्तक किसने लिखी है, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने लिखी है। और फिल्म निर्माता शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, वह किसका स्थान लेंगे, VP सिंह का स्थान लेंगे। किसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की ओर से प्रतिष्ठित SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सोनू सीजो को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है, 30 सितंबर को मनाया जाता है। वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है। नाबार्ड कर्नाटक गांव में वॉश वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान जो है चलाने वाली है। इसके बाद आपका अगला सेक्शन आता है जो कि आपका आता है MCQ का सेक्शन, और ये MCQ मैं आप लोगों को PDF में दे रहा हूँ। ये MCQ आप खुद ट्राई करेंगे, जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसको भरिएगा, इसको फिल कीजिएगा, और मैं आपके कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का वेट करूँगा कि ये करंट अफेयर मेरे को जारी रखनी है या यहीं पे क्लोज करनी है। और अगर करंट अफेयर आज मैं क्लोज करता हूँ तो आप सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रगुजार है कि आपने माई पाठशाला पे करंट अफेयर को, राहुल सर को, माई पाठशालाओं को और सभी टीम को सपोर्ट किया, उनको प्यार दिया। उस प्यार और आभार के लिए हम बहुत बहुत जो है शुक्रगुजार हैं आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।